Hey guys, welcome to my YouTube channel Learn Dubbin. Today we have a great job opportunity coming from four different company. All four job role are for software developer. In this video, I will discuss all eligibility criteria, selection process and exam pattern. Please watch this video till the end. Freshers are eligible, final year students are eligible and experienced candidate are also eligible. जो फर्स्ट जॉब आ रही है वो MKCL के तरफ से रिक्रूटमेंट आई है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए. सो ये जॉब बहुत ही गुड है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से. मैं आप लोगों को बता दूँ, MKCL अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो तो ये एक कंपनी है जो एडुकेशन प्रोवाइड कराती है, टेक्निकल एडुकेशन. सो एक गुड अपडेट है, यहाँ इस एग्ज़ाम के लिए कोई फी नहीं है और यहाँ पे आपको पैकेज बहुत ही अच्छी मिलने वाली है. लाइक 4 लाख से स्टार्टिंग होने वाली है एंड आफ्टर 4 ईयर आपका पैकेज 9 लाख हो जाएगा. सो यहाँ पे ग्रोथ रेट भी बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा. सो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रोल है, मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, किस डेट को एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या आपके राउंड होंगे, कितने राउंड होंगे सिलेक्शन प्रोसेस के, इंटरव्यू, रिटर्न, मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा. प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड इन तक ज़रूर देखना. सो मैं बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे BE/BTECH स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, MCA स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, MCS स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं एंड ME/MTECH स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं. सो ये गुड अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बिग अपडेट है. यहाँ पे मैं ब्रांचेस की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी ब्रांच है सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, IT स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ENTC स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट. सो यहाँ पे जो बैचेज है, सो 2020 पास आउट बैचेज अप्लाई कर सकते हैं, 2021 पास आउट बैच भी अप्लाई कर सकते हैं. सो अगर आप फाइनल ईयर में हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2020 बैच एंड 2021 बैच के लिए. यहाँ पे मैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट की बात करूँ, सो आप लोग को फुल स्टैक डेवलपर अगर आप हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है. अगर आपको AI/ML की नॉलेज है आपके लिए अच्छी बात है, आपको UI/UX डेवलपमेंट की नॉलेज है आपके लिए बहुत ही अच्छी है. सो एटलीस्ट आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट, लाइक आपको बैकएंड की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक आपको किसी भी एक प्रोग्रामिंग नॉलेज में अच्छी कोडिंग करने आना होना चाहिए. सो एक मैं बता दूँ, फॉर फुल स्टैक डेवलपर आप लोग को लर्न गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गो आना चाहिए एंड या फिर इंट्रोडक्शन टू गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए और ML का आपको आना चाहिए, UI/UX का आना चाहिए. सो ML में आपको पाइथन, टेंसर फ्लो 2.0 आना चाहिए, UI/UX में आपको HTML, CSS, Bootstrap ये सब आना चाहिए, डिज़ाइन थिंकिंग नॉलेज होना चाहिए. आपका जो CTC होगा वो स्टार्टिंग आपका एज ए प्रोजेक्ट ट्रेनी है. सो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रोल है वहाँ आपको जो लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट ट्रेनी आपका असाइन होगा. सो एज ए आप ज्वाइन करोगे एज ए फ्रेशर, वो प्रोजेक्ट ट्रेनी ज्वाइन करोगे जिसकी पैकेज आपको 4 लाख पर एनम मिलने वाली है. सो फर्स्ट ईयर आप एज ए प्रोजेक्ट ट्रेनी रहोगे, 4 लाख आपको CTC मिलेगी. सेकेंड ईयर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए प्रमोट हो जाओगे जिस आपकी पैकेज 5 लाख हो जाएगी, लाइक 1 लाख आपकी इंक्रीमेंट होगी. एंड थर्ड ईयर में आप सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए प्रमोट हो जाओगे तो आपकी पैकेज फिर से ग्रोथ कर जाएगी 1.5 लाख, तो आपकी टोटल पैकेज हो जाएगी 6.5 लाख. एंड फोर्थ ईयर में आप सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकेंड के लिए कर जाओगे तो आपकी पैकेज 9 लाख हो जाएगी. सो इन 4 ईयर आपका पैकेज डबल हो जाएगा आफ्टर 4 ईयर. सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी पैकेज है एंड बहुत ही अच्छा जॉब रोल होने वाला है. यहाँ पे मैं आपका बता दूं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, सो लास्ट डेट अप्लाई करने की 13th of May है. सो आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दे, अभी आपके पास टाइम है बट मैं बोलूँगा एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दे. यहाँ पे मॉक टेस्ट होने वाला है वो 14th of May को होने वाला है, 15th of May को भी होगा. सो कुछ स्टूडेंट का 14th of May को होगा, कुछ स्टूडेंट का 15th of May को होगा. आपको इसके रिगार्डिंग मेल आ जाएगी. सो ईमेल आईडी आपको लाइक जिसपे आप डेली मेल चेक करते हो वही ईमेल आईडी देना है फॉर्म भरने टाइम. ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है, वर्चुअल टेस्ट होने वाला है, वो 16th of May को होने वाला है. एंड सो सिंगल डे आपका टेस्ट होने वाला है, 14th and 15th May को आपका मॉक टेस्ट है. सो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कैसे क्वेश्चंस रहेंगे. एंड जो टेस्ट है वो 16th of May को है, संडे है, वर्चुअल टेस्ट है, आपका घर से होगा. रिजल्ट इसका 18th of May को डिक्लेयर हो जाएगा. अगर आप क्लियर करते हो रिटन टेस्ट तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे, अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर नहीं करते हो तो आप बाहर हो जाओगे. आपका जो ऑनलाइन इंटरव्यू है वो आपका 20th of May से लेकर 29th of May के बीच में किसी भी दिन हो जाएगा. सो 20 May से 29 May के बीच में किसी दिन हो जाएगा. फिर आपका एक और इंटरव्यू होने वाला है, लाइक फाइनल इंटरव्यू एंड हैंड्स ऑन आपका कुछ कोडिंग कराए जाएंगे मे बी
वो 31 मई से लेके 5 जून के बीच में हो जाएगा। सो आपका जून लास्ट वीक तक रिजल्ट हो जाएगा एंड जुलाई में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जॉब लोकेशन जो मैं बोल दूँ, 4 जॉब लोकेशन है, चारों महाराष्ट्र में, क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जॉब है। MKCL एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉडी है एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये लाइक टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। सो यहाँ पे 4 जो जॉब लोकेशन है वो महाराष्ट्र में है, पुणे, नवी मुंबई, अमरावती एंड नागपुर। सो आप किसी भी लोकेशन में ले सकते हो, अपनी प्रेफरेंस देके आपके लिए आपको प्रेफरेंस जरूर मिल जाएगी। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, टेस्ट क्लियर करते हो, देन इंटरव्यू होगा, देन आपका फिर से इंटरव्यू, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग चेक कर सकते हो वीडियो पॉज करके। सो क्या क्या इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन टेस्ट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट बता दिया हूँ। आप यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू विथ असाइनमेंट ये सब आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। फाइनल इंटरव्यू एंड हैंड्स ऑन जो होने वाला है 31 मई से 5 जून के बीच में, वो आप पढ़ सकते हो। बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ फाइनल इंटरव्यू एंड हैंड्स ऑन, ए कैंडिडेट शैल बी गिवन एन ऑफर लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो इस दोनों जो आपका फाइनल राउंड होगा उसके बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। सो एवरी राउंड भी एलिमिनेशन राउंड है। सो धीरे धीरे आप लोग फिल्टर होते जाओगे, यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप अप्लाई नाउ पर क्लिक किए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 13 मई है, बट मैं बोलूँगा आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। अगर आपको ये जॉब पसंद आई हो, ऐसी जॉब्स अपडेट आपको चाहिए रेगुलर डेली बेसिस पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें। जो सेकेंड जॉब आ रही है वो न्यूजेन की तरफ से आ रही है, बहुत ही बिग अपडेट मैं बोलूँगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। सो ये जो जॉब रोल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th 12th में आपका 70% होना चाहिए, बीटेक में आपका 60% होना चाहिए, एडुकेशन बी बीटेक एमई एमटेक एलिजिबल है CS IT और ECE में। सो अगर आपने CS से इंजीनियरिंग किया, IT से इंजीनियरिंग किया, ECE से किया है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 2018 2019 और 2020 बैच अप्लाई कर सकते हैं। जो दो जॉब लोकेशन के लिए जॉब है, नोएडा एंड मुंबई, नोएडा में 35 सीट है, मुंबई में 40 सीट है। सो 75 टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग है। सो 75 टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग, गुड ओपनिंग मैं बोलूँगा। ये जो न्यूजन है वो नोएडा की बेस्ट कंपनी है, दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है। सो यहाँ पे मैं बता दूँ कि 2018 बैच को 6 to 7 लाख पर एनम पैकेज मिलेगा, 2019 बैच को 5 to 6 लाख पर एनम पैकेज मिलेगा एंड 2020 बैच को 4.25 to 5.25 पैकेज मिलने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, आपके यहाँ पे पैकेज मिलने वाले हैं बैच वाइज। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे बैच के लिए, 18, 19 एंड 20। सो ये गुड कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है न्यूजेन। यहाँ पे मैं जॉब डिस्क्रिप्शन बता दूँ, आपको डेवलपिंग का काम मिलेगा, आपको इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का काम मिलेगा, आपको इंप्लीमेंटेशन करना होगा, आपको हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइक प्रोड्यूस डिलीवरी करना पड़ेगा। आपके पास नॉलेज होना चाहिए वो जावा SQL ओरेकल का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सो जावा बेस्ड आपकी यहाँ पे जॉब होने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी जाएगी, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स, सिस्टम आर्किटेक्चर, कोड रिव्यू, ये सब की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। सो एक गुड अपडेट मैं बोलूँगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप यहाँ पे क्लिक अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सो इसकी कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं है, सो मैं बोलूँगा आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दें, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ओपनिंग भी अच्छा है। सो 75 ओपनिंग गुड ओपनिंग बोला जाता है। सो आप यहाँ पे अप्लाई कर दें एज सुन एज पॉसिबल। जो थर्ड जॉब आ रही है वो डुंजो कंपनी की तरफ से आ रही है। आप लोगों को पता होगा जैसे जोमेटो स्विगी है, उसी तरह डुंजो भी अपने इसका भी जो सर्विस है वह वैसा ही कुछ है, बट अपार्ट फ्रॉम फूड डिलीवरी इसका और भी सर्विसेज है। लाइक आपके कोई भी सामान हो, कोई भी पार्सल हो, वो भी ये लोग 30 मिनट के अंदर में डिलीवरी करते हैं विद इन द सिटी। एंड कोई भी आपका ग्रॉसरी आइटम हो एंड कोई भी मेडिसिन आइटम हो, वो सब भी डिलीवरी करते हैं। एंड ये लोग कैब में भी आ गए हैं, इन्होंने बाइक कैब स्टार्ट कर दिया है। सो धीरे धीरे ये लोग ओला, उबर एंड अमेजोन की तरह होने वाले हैं। सो डुंजो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में से एक है, बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। सो अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, जाए बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, तो आप डुंजो का नाम जरूर सुने होंगे। सो यहाँ पे जो डुंजो रिक्रूटमेंट कर रही है वो बेंगलोरी लोकेशन के लिए कर रही है, एज ए डेटा एनालिस्ट रिक्रूटमेंट कर रही है। सो यहाँ पे जो आपको नॉलेज होने वाला है वो MS Excel आपको आनी चाहिए एंड SQL आपको आनी चाहिए। सो MS Excel और SQL अगर आपको आती है, आप डेटा आप एनालिस्ट जॉब के लिए परफेक्ट हो। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपका पैकेज अच्छा होने वाला है, 4 to 5 लाख आपका पैकेज होने वाला है, इमीडिएट ज्वाइनिंग है। अगर आप फॉर्म फिल करते हो, आपको विद इन 1 to 2 वीक
में आपको मेल आ जाएगी, इसके रिगार्डिंग आपका टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा। टेस्ट में आपके एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में आपका एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो एसक्यूएल एंड एमएक्स एक्सेल में आप इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको एसक्यूएल एंड एमएक्स एक्सेल अगर आपको आती है तो आप ये जॉब इजिली क्रैक कर लोगे एंड आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा जिसको एमएक्स एक्सेल नहीं आती है बट इस जॉब के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, सो आप अप्लाई कर दो एंड आप एमएक्स एक्सेल पढ़ लो। सो एमएक्स एक्सेल आप बेसिक 1 वीक में पढ़ सकते हो एंड एसक्यूएल आप बेसिक 1 वीक में पढ़ सकते हो एंड आप लाइक थोड़ा सा आप बेसिक से ज़्यादा भी पढ़ सकते हो 10 to 15 days। सो आपको 1 वीक to 2 वीक लगेगा इसकी ऑनलाइन टेस्ट की लिंक आने के लिए। सो आप तब तक अपना अपना बेसिक कवर कर सकते हो एसक्यूएल के लिए। सो एमएस एक्सेल में भी सेम है, आपको 3 to 4 days में आप बेसिक पढ़ सकते हो एंड 5 to 10 days में आप थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लोगे, बेसिक यूज़ के लिए आप पढ़ लोगे। सो मैं बोलूँगा कि आप लोग जरूर अप्लाई करो, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लाइक शॉर्ट लिस्टिंग, लाइक आपका जो आप अप्लाई करोगे तो आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा, तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होने का मैक्सिमम चांस है क्योंकि जब लास्ट हायरिंग हुई थी लास्ट मंथ में डोंजो के लिए तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट का रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हुआ था। वो लोग असेसमेंट टेस्ट दिए थे एंड फिर इंटरव्यू हुआ था एंड फिर उसकी ज्वाइनिंग भी लाइक अभी आने वाली है या बहुत को आ गई है। सो यहाँ पे मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी में बोलूँगा, डोंजो एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप कंपनी है, बहुत ही अच्छी काम कर रही है एंड यहाँ पे आपकी सैलरी भी अच्छी होगी एंड आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। सो डेटा एनालिस्ट के लिए मैं अच्छी जॉब बोलूँगा, लेकिन आपका यह है कि आपको थोड़ा सा आपको एसक्यूएल आना चाहिए। सो आप वो पढ़ लो तभी आप अप्लाई करना, क्योंकि इसके रिटन टेस्ट में भी एसक्यूएल से क्वेश्चन आएंगे एंड इंटरव्यू में भी पूछेंगे। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करो। यहाँ पे कोई भी बैच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 2019 2020 2021 बैच हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी ब्रांच में हो आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपको ये स्किल्स होनी चाहिए। सो रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स आपको इसमें से आनी चाहिए, लाइक एसक्यूएल और एमएक्स एक्सेल आना चाहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी डुंजो की अप्लाई करने की, आप यहाँ इजीली अप्लाई कर सकते हो। जो फोर्थ जॉब आ रही है वो सिनॉप्सिस कंपनी की तरफ से आ रही है। सिनॉप्सिस एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। यहाँ पे जो जॉब रोल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रोल है एज ए इंटर्न। सो मैं यहाँ पे आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता हूँ आपको यहाँ पे डेवलप करना है एंड इम्प्लीमेंट करना है, कम्युनिकेट करना है टेक्निकल डिटेल्स टू ऑडियंस और वेयरिंग बैकग्राउंड। आपको यहाँ पे अप्लाई कंपनी पॉलिसी, सो ये सबसे रिलेटेड आपका काम होने वाला है। जो यहाँ पे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है वो लाइक बैकग्राउंड इन प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, पावर सेल, वीवी स्क्रिप्ट, पर्ल एंड बेस। सो ये सब आपको इसमें से कुछ भी एक आना चाहिए। आप यहाँ पे बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप बैचलर डिग्री किए हो, लाइक आप बी बी टेक किए हो, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। किसी भी ब्रांच से हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। पासिंग ईयर जो है वो 2019 2020 2021 स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। आप कुछ भी हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा। आपको ऐसे इंटर्नशिप मिलेगा, सो इंटर्नशिप में आप अगर अच्छे परफॉर्म करते हो तो आपको फुल टाइम मिल सकता है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो मैं बोलूँगा आप जरूर अप्लाई करो। आपको एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है आप अप्लाई करो, बट उन्होंने कुछ मेंशन किया है उसका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा एनीवे। सो एबिलिटी टू ट्रबल शूट बेसिक ओएस एंड एप्लीकेशन इशू विद इन विंडो। सो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की भी अगर नॉलेज है तो आपके लिए यहाँ पे प्रेफर्ड होगा, आपको यहाँ प्रेफरेंस मिल सकता है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप इसे भी एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करो। जो जॉब लोकेशन वो हैदराबाद के लिए है, अभी आपको वर्क फॉर्म मिलेगा बट वर्क फॉर्म के बाद आपको हैदराबाद जॉब लोकेशन मिलने वाली है। सो आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दो क्योंकि एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप अप्लाई टू जॉब यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। सो अगेन आपका फोर्थ जॉब बहुत अच्छा है। MKCL बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, न्यूजेन भी एंड डोंजो भी। सो स्टार्टिंग थीज जॉब तो बिग अपडेट है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग कैसे भी प्रिपेयर करके जॉब को क्रैक करो एंड और भी बहुत सारे जॉब जो मैंने पोस्ट किए इसकी लास्ट डेट अभी एक्टिव है, आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करो। सो ओला और IBM की लिंक मैंने एक्टिव है, आज ही मैंने अपलोड करा है, वो अप्लाई करो। इन्फोसिस की लिंक 2 मई लास्ट डेट है, सो आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करो। एसेंचर की 28th of April लास्ट डेट है, ये रहा एसेंचर का। सो आप अगर इसके लिए अप्लाई नहीं किया हो तो आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दो, 28th ही लास्ट डेट है एसेंचर की। हॉकिंस की भी लिंक अभी एक्टिव है, आप हॉकिंस के लिए अप्लाई कर सकते हो।
एंड बहुत सारे जॉब की लिंक अभी एक्टिव है, आप चेक करो वीडियो एंड आप अप्लाई कर सकते हो रिसेंट जॉब्स अपडेट में जाके। या सो गुड अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।